वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है फिर से प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में कभी कभी पेट में चुभन होती है, चुभन जैसा दर्द होता है, उसके रीजन क्या होते हैं, क्या ये खतरनाक होता है और कौन कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से आपको यह दर्द महसूस हो सकता है, और इसके लिए आपको क्या परहेज करना है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में पेट में चुभन। फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, और लेकिन इसके साथ में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी होते रहते हैं, और ये छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं, कभी कभी हमें परेशान भी करते हैं। इन्हीं में से एक कॉमन समस्या होती है पेट में चुभन होना। वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम में जो चुभन होती है कई महिलाओं को होती है, कुछ टाइम के लिए होती है और बंद हो जाती है, या फिर एक आध दिन के लिए होती है और बंद हो जाती है। तो फिर ये होती क्यों? इसके रीजंस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला और कॉमन रीजन होता है वो होता है आपके डाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि आपको मोशन सही से नहीं आ रहा, आपको गैस बन रही है, आपको कब्ज की समस्या हो गई है, तो फिर ये चुभन आपको बिल्कुल महसूस हो सकती है। और ऐसे कभी कभी कहीं भी पूरे पेट में किसी भी जगह पर आपको सुई चुभने जैसा एहसास हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल होता है, क्योंकि जब हमारी प्रेगनेंसी चल रही होती है उस टाइम पर हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा होता है, और इसकी वजह से इस तरह की जो समस्याएं हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने डाइट का सही से ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, तो भी आपको इस तरह की जो दिक्कत है वो देखने को मिल सकती है। तो ये पूरी तरीके से सेफ। नेक्स्ट चीज़ होती है जब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो होती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। प्रेगनेंसी टाइम में अक्सर महिलाओं को तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है, और कई बार वो बाहर से चीज़ें भी लाकर खाती हैं, तो ऐसे में फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से आपको पेट में इस तरह की चुभन महसूस हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न होता है इनडाइजेशन, यानी आपने जो खाया है वो आपको पच नहीं रहा है, तो भी आपको इस तरह की जो चुभन है पेट में महसूस हो सकती है, और इसके लिए आप एंटासिड वगैरह ले सकते हैं। लेकिन जो भी लें वो आप घरेलू तौर पर लें या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन होता है जो आपके पेट में चुभन का कारण बन सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि आपके यूरिन सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में। बहुत सारी महिलाओं को इस तरह के इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारा पेल्विक एरिया चौड़ा हो रहा होता है, और इस तरह के इन्फेक्शन होने के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर इस तरह का इन्फेक्शन है, या पहले से था, या फिर अभी हो गया और वो लगातार बढ़ रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इसी की वजह से आपको इस तरह के इन्फेक्शन जो है काफ़ी रिस्की हो सकते हैं प्रेगनेंसी टाइम में। इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको इस तरह के चुभन होने लगी है तो फिर डॉक्टर से। इसके अलावा पेल्विक एरिया में सूजन होती है, तो भी आपको इस तरह की चुभन जो है देखने को मिल सकती है, तो आपके पूरे पेट में हो सकती है, या फिर आपके पेल्विक एरिया में जो है इस तरह की चुभन होती है। तो अगर सूजन आ रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम को क्योर करना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इस सभी रीजन पे आपको पता चल गया है जो नॉर्मली होते हैं, कुछ गंभीर कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी को किडनी फेलियर हो सकता है, या फिर किडनी का जो फंक्शन है सही से काम नहीं करता, और इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अल्सर हो जाना, पित्त की थैली का बढ़ जाना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाना, तो ये गंभीर कंडीशंस होती हैं जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं उनको भी ये दिक्कत होती है। मोस्टली ये नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में तो आपका चेकअप चलता ही रहता है, और कंसीव करने के पहले भी आपका पूरा बॉडी का चेकअप हो चुका होता है, तो ये सभी दिक्कतें नहीं होती हैं। कॉमन जो प्रॉब्लम होती हैं वो आपके डाइजेशन से रिलेटेड ही होती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखें। डाइट में ऐसे कि आप डाइट में ले सकते हैं केला, चावल, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और कम मसाले वाली चीज़ें जो हैं आपको खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब हम डाइट में उन चीज़ों पर बात करते हैं जो आपको नहीं लेना है, यानी कि आपको उनको अवॉइड कर लेना है, इन पर परहेज आपको रखना है। तो उसमें होता है चाय, कैफीन, कॉफ़ी, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक रहते हैं, अल्कोहल रहते हैं, या आप किसी और दूसरी तरह का नशा करते हैं, तो ये आपको नहीं लेने हैं।
इसके अलावा खट्टे फल जो कि एसिडिक होते हैं वो भी आपको ये इस तरह की दिक्कतें दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैट वाले तले होने जो मसाले वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी है। तो आपको टमाटर भी नहीं लेने और डेयरी प्रोडक्ट भी जो है वो कम मात्रा में लेने हैं अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम घरेलू उपचार पर बात करते हैं। अगर आपको इस तरह की चुभन हो रही है तो आपको क्या करना है, आप सौंफ का पानी ले सकते हैं। सौंफ 1 चम्मच गला करके रख दीजिए, रात भर रहेगा, सुबह ये पानी आप ले सकते हैं। इसके अलावा पुदीने की चाय ले सकते हैं, कैलोमाइल टी ले सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप सोडे को ले सकते हैं, 1 चुटकी सोडा और नींबू पानी आप इसको ले सकते हैं जो कि आपके इस तरह की प्रॉब्लम को से आपको आराम देता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं अदरक की चाय। यो अगर आपको जो इंडाइजेशन है या फूड पॉइजनिंग है तो ये आपको काफ़ी अच्छे से रिलीफ देती है। तो सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिला दीजिए और शहद के साथ में आप इसको ले सकते हैं तो ये भी आपकी इस प्रॉब्लम से राहत देता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो हींग होती है वो आप ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हींग कड़वी होती है और इसको हम कैसे ले सकते हैं, तो इसको भी सिंपली 1 गिलास पानी में 1 चुटकी हींग डाल देनी है और लेना है। क्यों, तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और काफ़ी सेफ भी होती है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये सभी होम रेमेडीज़ हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इनसे आराम मिलता है तो आप हमें कमेंट्स में बता भी सकते हैं। और ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।